बार फिर सलावत पढ़ लीजिए बार मोहम्मद। नाम के लेने से खुदा मिलता है। अहमद की मोहब्बत में मोहम्मद बार दिगा सलवात सलवात पढ़िए बार मोहम्मद आलम एक बार फिर
سلامی کربلا کو جا چلے حضرت مدینے سے سلامی کربلا کو جا چلے حضرت مدینے سے بہت روئے لگا کر فاطمہ صغرا کو سینے سے سلامی کربلا کو جا چلے حضرت مدینے سے ہائے پکارے الوداع اے فاطمہ صغرا خدا حافظ صغرا خدا حافظ ہمیں تم پھر نہ دیکھو گی یہ ہم سمجھے قرینے سے سلامی کربلا کو جا چلے حضرت مدینے سے ہائے ارے نہ کڑنا اور نہ غم کھانا بہت بیمار ہو صغرا ارے نہ کڑنا کھانا بہت بیمار ہو صغرا زیادہ ہوگی تب خون جگر دن رات پینے سے سلامی کربلا کو جا چلے حضرت مدینے سے ہائے ارے نہ کرنا یاد بھی ہم کو سمجھنا مر گئے بابا نہ کرنا یاد بھی ہم کو سمجھنا مر گئے بابا مٹا دینا ہمارا نام ہے دل کے نگینے سے مٹا دینا ہمارا نام ہے دل کے نگینے سے سلامی کربلا کو جا چلے حضرت مدینے سے تمہارے کپڑے میلے ہیں
बदल डालो इन्हें सोरा, तुम्हारे कपड़े मैले हैं, बदल डालो इन्हें सोरा। कहा बाबा मुअत्तर हैं ये असगर के पसीने से, कहा बाबा मुअत्तर है ये असगर के पसीने से। सलामी करबला को जा चले हजरत मदीने से, चचा के हाथ कट जाएंगे, कासिम का कटेगा सर, अरे चचा के हाथ कट जाएंगे, आसिम का कटेगा सर, गुजर जाएगा जब नेजा अली अकबर के सीने से, गुजर जाएगा जब नेजा अली अकबर के सीने से। सलामी करबला को जा चले हजरत मदीने से, फसी एक शोर बरपा था वहाँ, फरियादो शेवन का हुसैन इब्ने अली का कूट होता है मदीने से। सलामी करबला को जा वक्त मदीने से चला शाह मदीना, गुल था वतन आवारा हुआ शाह मदीना, अफसोस गरीब गुरबा शाह मदीना, अब होगा गिरफ्तार बला शाह मदीना, अब होगा गिरफ्तार बला शाह मदीना, ये काफिला आएगा नसालार फिरे नालामदार फिरे, ये फौज फिरेगी नालामदार फिरेगा, ये फौज फिरेगी ना आलमदार फिरे, नागा लगा का
अपने शब्बीर करेवा और रुक गया ऐसा के नथी ताकत रफ्ता। हजरत ने कहा ऐ फरसे अहमद मुख्ता आका तेरा कांधे पा मुझे अरे करता था आसवा आका तेरा कांधे पा मुझे करता था आसवा। बचपन में जो मैं चढ़ने लगा बैठ गया तू पर सबब क्या है जो चलने से रुका तू भरा सबब क्या है जो चलने से रुका तू। अरे शब्बीर का मुंह देख के रोने लगा घोड़ा अब्बास ने झुक कर सुमेता सन को जो देखा फरमाया के ये अस्पे वफादार चले क्या है पांव से घोड़े के तोले टी हुई सोर है पांव से घोड़े के तो लिपटी हुई सोर जिसका के सुकून आपकी आगोश है माला अब पाप घोड़े के वो बेहोश है माला अब पाप घोड़े के वो बेहोश है माला। इस लफ्ज का सुनना था के उतरे शहवाला बेटी को लिया गोद में मुंह पर दिया बोसा फरमाया के बोलो मेरी सोरा मेरी सोरा लो होश में आओ तुम्हें ले चलता है बाबा लो होश में आओ तुम्हें ले चलता है बाबा। मैं रोता हूँ मारोती है आवाज सुना दो किस ऊंट पर बैठोगी इशारे से बता किस ऊंट पर बैठोगी इशारे से बता दो। लो आओ अगर चलती हो तुम साथ हमारे लो खोल दो आँखों को जो हम हैं तुम्हें प्यारे देखो तो जरा तुम अली असगर के इशार अगलब है के अब तुमको बहन कह के पुकारे अगलब है के अब तुमको बहन कह के पुकारे माँ बाप से बहनों से तो आजुर्दा भला हो अपने अली असगर से नाए इस वक्त खफा अपने अली असगर से ना इस वक्त खफा ता देर तो गश में रही फिर होश जो आया बस बानों की महमिल की तरफ हाथ उठा मालाए जो शैबानों ने पर्दा ना उठाया आवाज दी सुगराने के क्यों मुंह को छुपाया आवाज दी सुगराने के क्यों मुंह को छुपाया घबराओ ना महमिल में नहीं आएगी सोगरा असगर को अभी देख
देख के गिर जाएगी। घबराओ ना महमिल में नहीं आएगी सोगरा, असगर को अभी देख के फिर जाएगी सोगरा, असगर को अभी देख के फिर जाएगी सोगरा। मेरे लिए तुम ऊंट भी रे अपना ना बैठा, असगर को जरा देख लूं हाथों पाँव उठा, मर्जी ना दिखानी की हो तो कह दो के जा, मर्जी ना दिखाने की हो तो कह दो के जा, फर्जंद तुम्हारा है दिखाओ ना दिखा, फर्जंद तुम्हारा है दिखाओ ना दिखा, मैं कौन जो असगर को भला गोद में लूंगी, जी चाहे तो दिखला दो दुआएं तुम्हें दूंगी, जी चाहे तो दिखला दो दुआएं तुम्हें दूंगी, जिद करके अब असगर को मैं लूं गोद में क्यों कर, रे मैं कौन हूँ असगर की मेरा कौन है असगर, घबराओ सकीना है बस आप आपके दोस्त, महमिल में जो है आपके पहलू के बराबर, महमिल में जो है आपके पहलू के बराबर, सब आपके प्यारे हैं जो मैं भी कोई होती, बहनों की तरह पहलू में बैठी हुई हो, बहनों की तरह पहलू में बैठी, दो तीन बंद पर्दे को उठा कर कहा बानों ने ये रो, अरे सदके गई ये बातें ना तुम मुंह से निकाल, सब जीते हैं बेकसना भी आपको जान, शब्बीर हो दुनिया में तेरा कुनबा हो तू, शब्बीर हो दुनिया में तेरा कुनबा हो तू, कब मैंने कहा ये नहीं असगर है तुम्हारा, लो शौक से देखो ये बरादर है तुम्हारा, कब मैंने कहा ये नहीं असगर है तुम्हारा, लो शौक से देखो ये बरादर है तुम्हारा, लो शौक से देखो ये बरादर है तुम्हारा, फिर हाथों पास घर को देखा करके ये जारी, लटका दिए हाथ उसने हुमा करके बार, माँ ने कहा लो गोद में आते हैं ये बात, सुन जा असगर की तरफ हाथ उठा कर ये पुकार, असगर की तरफ हाथ उठा कर ये पुकार, फिर जीती मिलूं या ना मिलूं तुमसे बला लूं, आ छोटे मुसाफिर तुझे सीने से लगा, आ छोटे मुसाफिर तुझे सीने से लगा, आ छोटे मुसाफिर तुझे सीने से लगा, उस वक्त शुतर बाने बाने उष्टर जो बैठा, बानों ने भी तब हाथों को महमिल से बढ़ा,
सूरों ने अमानत लिया घर को जो पाया नन्ना सा गला चूम के सीने से लगाया नन्ना सा गला चूम के सीने से लगाया फैलाती थी हाथों को तो रो देता था सुगरा के गले से न जुदा होता था सुगरा के गले से न जुदा होता था जब लेने की खातिर कोई आता था बरा तब और भी सुगरा से लेपा जाता था वो कहती थी छीनो न जबर दस्ती से आग गिर जाएगा लोगों मेरा छोटा सा बरा गिर जाएगा लोगों मेरा छोटा सा बरादर फिर माँ से कहा अकबर सज्जाद को ले जा असगर नहीं जाता है मुझे ही से दे जा असगर नहीं जाता है मुझे ही इसे दे जा असगर नहीं जाता है मुझे ही इसे दे दो बंद नल्ला सा गला चूम के ता बोले ये शबी असगर तुम्हें क्या याद नहीं हुरमुलाकाती सूरा ने कहा कांप के या हजरत शबी है कौन भला हुरमुला और कैसा है वो ती है कौन भला उर्मुला और कैसा है वो दी शह ने कहा कातिल यही असगर का लिखा बच्चे के गले के लिए ती उसका बना बच्चे के गले के लिए तीर उसका बना आखिरी बन ये शहने जो फरमाया बापा हो गया मैं सूरा ने भी असगर को हवाले किया रो और रोती हुई घर को चली शाह के दो मरने को रवाना हुआ फरजंदे पाया मरने को रवाना हुआ फरजंदे पाया सब अहले मदीना ने तो की आह ज़बान से बोले तो वक़्ल तो अल्लाह ज़बान से जिस वक्त मदीने से चला
हुसैन
हुसैन और वो मेराज दर्दे इंसानी हुसैन अपने बुजुर्गों के दिल का चैन हुए जो लेके आए जो देखा वही हुसैन हुकूमतों सियासत की चार ढाल है और इमामत और हिदायत की देखभाल है और रुके न सिलसिले जुल्म वो ख्याल है और कहां पट्टो किया जाए ये सवाल है और दिया गया जो बिलाखिर जवाब क्या कहना हुसैन की नजरें तहा शकीक नाना की रहलत हुसैन देखी जो माप गुजरी मुसीबत हुसैन देखी बिगड़ के खून की रंगत हुसैन देखी गरीब भाई बापत हुसैन किसे दिया थे कांटों पर चल रहे उसे गिरा रहा है जमाना संभल रहे उसे उसूले दी को लगाए हुए कलेजे से शाने हक को बचाए हरे हमले सलाह ने हरीफों को हर जरिए से ख्याल वक्त का वाकिफ मगर नतीजे से न जाने भेस में कितने कजा नजर आई न जाने कितनी जगह करबला हुसैन मौत के गर्भोबला में आते हैं गवाह करके खुदा को कदम बढ़ाते हैं अमानते भी पयंबर की साथ लाते हैं लहू से ज्यादा टिकलानुमा बनाते हैं खिंचा हुआ खते तकदीर इंसाफ तक है लतीफ खून की काबे से करबला तक है السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم الحق وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى
في محكم كتابه الحكيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات نفس انسانی اور اس کی تطہیر اس عنوان پر ہم خالد ناحول میں آپ کو زحمت دینا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں موضوع کی اہمیت پر گفتگو نہیں ہوگی, یہ تو آپ فیصلہ کریں گے کہ ہر دور میں ہر عہد میں ہر مقام پر بحیثیت فرد کے ہو یا بحیثیت اجتماعی زندگی کے, نفس انسانی کا تزکیہ امن عالم اور خود انسانی ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے. موضوع پر گفتگو سے پہلے سب سے زیادہ حل طلب خود نفس کی منزل ہے کہ واٹ از سول, ہیومن سول, نفس انسانی کیا ہے. بڑی مشکل ہے نفس کی معرفت, اتنی مشکل ہے کہ عرفا نے کہا جس نے نفس کو پہچانا اپنے اس نے خدا کو پہچانا. بہرحال اس مشکل سے گزرنے کے لیے ہم اگر نفس کے معنی یہی کر کے چلیں کہ ہر شخص ہر انسان اپنے ظاہر کے ساتھ اور اپنے باطن کے ساتھ اپنی ترکیب روح و بدن کے ساتھ اپنے لفظ و معانی کے ساتھ اپنے مجاز و حقیقت کے ساتھ جہاں وہ دنیاوی زندگی میں بھی اپنے انا کو محسوس کرتا ہے کہ یہ میرا نفس ہے, اور جہاں قیامت میں بھی قرآن اسی کو مسئول قرار دیتا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینۃ, ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا. ظاہر و باطن کے اس مجموعے کو اگر نفس قرار دیا جائے اور اس میں ہم زیادہ نہ الجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ راست گفتگو تزکیے اور طہارت پر ہوگی. نفس پر گفتگو کرتے ہوئے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہ محسوس کریں کہ تعریف نفس کو نظر انداز کیا گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ
इससे वाज़ह और कोई सूरत नहीं है गुफ्तगू की। क्या कुरान मजीद ने जहां कहीं नफ्स इंसानी का तस्करा किया है, फर्द के एतबार से हो या इज्तिमा के एतबार से, वहां मकसद ही यह है कि आजाद जवारह ने जो आमाल किए, तन्हा नफ्स तो कोई अमल नहीं करता, जिस्म के काल बुद्ध में आता है, जिस्म के पैकड़ में आता है, और जब अना कहने के काबिल होता है, और जब अपनी कुव्वत तमीज से और अपने इख्तियार से अपने आमाल को बजा लाता है, तो जिम्मेदारी की उस मंजिल पर फाइज होता है कि जहां वो नेक व बद को पहचान कर अपने आकबत से वाकिफ होकर अपने आप को मसूलियत के लिए आमादा करे कि मुझे इन मसाइल में यह जवाब देना है। और इस एतबार से नफ्स बेदून जिस्म कुछ नहीं, बेदून जिस्म कुछ नहीं, इसलिए कि आमाल जिस्म से हो और नफ्स जिम्मेदार ठहरे, नफ्स जिम्मेदार ठहरे। यह और बात है कि जिस्म के हर जाने के बाद नफ्स बाकी रहता है, लेकिन कयामत पर अकीदा जो हर मुसलमान के लिए लाजिम है, उस अकीदे में भी इस अमर को वाज़ह कर दिया गया कि उस नफ्स को फिर वही जिस्म दिया जाएगा ताकि मसूलियत की मंजिल पर आए। बगैर जिस्म सवाल जवाब नहीं है। तो इसलिए हम इस तरकीब से बहस कर रहे हैं, और चूंकि इस मुख्तसर से वक्त में मौजू तहारत का और तस्किए का ज्यादा बसीत है, ज्यादा वसी है, और एक बड़ी जरूरत को लिए हुए है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस मजलिस में हमारे सुनने वाले और जहां जहां हमारी आवाज जा रही है वहां वहां समाअत फरमाने वाले इस कैफियत तहारत पर गौर करें, तज़किया नफ्स इंसानी पर गौर करें कि इस तज़किए से मुराद क्या है। नफ्स का पाक होना, नफ्स का आलाइशों से हटना, नफ्स का नजासतों से बरी होना, नफ्स का नापाकियों को छोड़ना, तज़किया नफ्स। ये सूरह वश्शम्स की जो आयत पढ़ी गई, आपको भी यह सूरह याद होगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू किया जाता है नाम से अल्लाह के जो रहमान रहीम है, वश्शम्स वज़ुहाहा, आफ्ताब और उसकी रोशनी गवाह है, उसकी कसम, वल्कमर इज़ा तलाहा, और चांद जबकि पीछे पीछे जाए, और इसी तरह से दिन की रोशनी और रात की तारीकी और आसमानों का पहनाव और जमीन की वसात, ये सब गवाह है कि जब नफ्स इंसानी का तस्विया हुआ, ते सीन वाव ये है, जब नफ्स इंसानी को मुकम्मल किया गया, तो अल्हमहा फुजूर रहा वो तकवा हा, तो उसके फुजूर और उसके तकवा को इल्हाम कर दिया गया कि ये फुजूर है, ये तकवा है, बतला दिया गया कि कहीं नादानी से अपनी तकवा को फुजूर और फुजूर को तकवा ना समझ ले। इल्हाम की सूरत में बतला दिया गया कि यह नेक है, यह बद है, यह खैर है, यह शर है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह तुम्हारे लिए मुनासिब है, यह नामुनासिब है। कद अफलह मन ज़क्का, रुस्तगार वो होता है जो ऐसे में अपने नफ्स को पाक कर ले। वक़द ख़ाब मन दस्सा, और तबाही में, नाउमैदी में,
बर्बादी में वो मुब्तला होता है जो अपने नफ्स को तबाह कर दे और उसका तस्किया न कर सके। तो चूंकि हम इस मजमून पर गुफ्तगू को शुरू कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले तज़किये की मंजिल कुरान में यही बतलाई गई कि इज़ा क़रअतल कुरान, जब कुरान पढ़ने के लिए बैठो, फस्तईज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह से पनाह मांगो कि वो बचा ले शैतान रजीम से। तस्किये नफ्स की पहली मंजिल यह है कि इंसान अपने को उस फरेब से बचाए जिस फरेब की तरफ मुसलसल वादहाए शैतानी इंसान को लिए जा रहे हैं और जहां शैतान ने अपने माबूद से कसम खा के ये कहा था कि मैं जुर्रियत आदम को कयामत तक बहकाता रहूंगा। तो पहली मंजिल तस्किये की यह है कि इंसान अपने आप को इस्तेआज़े के लिए आमादा करे, अलिफ सीन ते आइन अलिफ ज़ाल है, इस्तेआज़ा यानी पनाह मांगना, इस्तेआज़े के लिए आमादा करे, परवरदिगार मैं तेरी पनाह ढूंढता हूं, इसलिए कि तहारत को हासिल करना उसके लिए भी तौफीक इलाही चाहिए, बगैर तौफीक नहीं। तौफीक बंदगी है, तौफीक मारिफत है, तौफीक मोहब्बत है, तौफीक सजदा है, तौफीक सलात है, तौफीक सियाम है। बिल्कुल इसी तरह आप अपने नफ्स का तस्किया चाहते हैं, उसके लिए भी तालिब तौफीक हैं कि परवरदिगार जैसे तूने हमको खल्क फरमा कर हवा पानी जरूरियात हयात की नेमतों से हमको आरास्ता किया ताकि हम इन जरूरियात जिंदगी से इस्तेफादा करें और जी सकें, बिल्कुल इसी तरह माबूद इस्तेआज़े की मंजिल पर हम पनाह चाहते हैं, अगर तेरी कुव्वत हिदायत तौफीक फरमाती रहे हम पर और हम उस तौफीक से फैजयाब होते रहें तो यकीनन हम अपने आप को शैतान के फरेब से दूर रख सकेंगे। अजीब गुफ्तगू है, मगर वो कौन सा मुसलमान है जो औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम से तिलावत को, बंदगी को, इबादात को, वुजू को, तहारात के लिए आमादगी के वक्त इस जुमले को ना पढ़ता हो, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, खुसूसन पढ़ते वक्त, कुरान के पढ़ते वक्त, कुरान की तिलावत करते वक्त। तो हुक्म वादे है कि जब कुरान पढ़ो कहो कि ऐ परवरदिगार मैं शैतान रजीम से भाग कर तेरी पनाह में आना चाहता हूं, इसको इस्तेआज़ा कहते हैं। इस्तेआज़े की पांच हालतें हैं। एक इस्तेआज़ा पनाह चाहना, दूसरे मुस्ताज़ बिह के कौन है पनाह देने वाला, तीसरे मुस्ताज़ मिन्हो किससे बचना चाहते हो, चौथे मुस्तईज़ कौन पनाह मांग रहा है, पांचवे मायुस्ताज़ हो बे किस चीज के लिए यह पनाह ढूंढी जा रही है। अगर पांच हालतों का इल्म नहीं है तो इस्तेआज़ा बेकार है। सबसे पहले वो इंसान
पनाह नहीं ढूंढ सकता जो अपने आप को कवि जाने, जो अपने आप को ताकतवर जाने। मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं यूं कर सकता हूं, नहीं। जब तक अपनी कमजोरियों का इल्म न हो, अपने नातवानी का इल्म न हो, अपने जोफ का इल्म न हो, अपनी बंदगी की कोताहियों का इल्म न हो, कोई पनाह नहीं ढूंढता। बहुत गौर से सुन, अगर इंसान में गुरूर है, अगर इंसान में अपनी बंदगी पर नास की आदत है, अगर इंसान अकड़ा हुआ तो उसको इस्तेआजे से काम क्या है? वो भी मगरूर है, शैतान भी मगरूर। वो इस्तेआजे की फिक्र में क्यों है? यानी जब तक ये न मालूम हो कि कदम कदम पर मेरी बंदगी ठोकरें खाती है, जब तक ये न मालूम हो कि कदम कदम पर मेरा नफ्स धोखा दे सकता है, जब तक ये न मालूम हो कि दुनिया की नरंगियां और दुनिया की बूकलमूनियां हर आन इंसान को फरेब दे सकती हैं और हर फरेब में मैं मुब्तला हो सकता हूं, और इस कमजोरियों के इल्म के बाद जब बेअख्तियार वह दुआ करता है तो किससे दुआ करता है? जिसको कादर मुतलक जानता है कि जब चाहे बचा लेगा। तो उसके माना क्या? उसके माना ये कि माबूद की कुदरत अलल इतलाक पर और अपनी ला नहायत कमजोरी पर जब तक यकीन न हो, उस वक्त तक इस्तेआज़ा मुमकिन नहीं है। कि किसकी पनाह में जा रहे हो? खबर नहीं, खबर नहीं। यानी जलालत माबूद अगर निगाहों में नहीं, उसकी कुदरत अलल इतलाक का इल्म नहीं, अगर उसकी रहमत वासिया पर भरोसा नहीं, अगर उसकी हिदायत मुतलका पर एतमाद नहीं, तो क्यों कोई कहता है औज़ु बिल्लाह मिन शैतान रजीम? और जब तक इंसान अपनी कमजोरियों को नहीं जानता, वो क्यों पनाह मांगता है? और कुरान में हुक्म है कि तुम पनाह मांगो। बहुत गौर से सुनिए, गुफ्तगु जरा सी बुलंद हो रही है, और मैं जानता हूं कि उनवान शायद कुछ देर के लिए सकील हो जाए, मगर उसको सकील समझना ही सकालत है। इसलिए उसको सहल जानिए और उसी में फिक्र के लिए सहूलत है। देखिए ये आयत है कुरान की, फैजा قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم। जब कुरान पढ़ने के लिए बैठो तो अल्लाह से पनाह चाहो शैतान रजीम से बचने के लिए। ये पनाह चाहो और पनाह मांगो का ये हुक्म खुद बतला रहा है, खुद बतला रहा है कि मजहब में जबर नहीं है। देखिए अगर जबर होता तो यह क्यों हुक्म होता कि तुम पनाह मांगो? अरे शैतान को तो मुसल्लत कर दिया है इंसान पर, फिर पनाह मांगना क्यों है? पनाह मांगने का हुक्म है ही इसीलिए कि अख्तियार है, इधर जाओ या इधर आओ। पनाह मांगने का हुक्म ही इसलिए है कि तुमको मर्जी आजाद दे दी गई है कि यह शैतान पुकार रहा है, आवाज में उसकी नजाकत है, उसकी आवाज पुरलुत्फ है, पुरकैफ है, वज्द आफरी है, उसके गले में एक खास जाजबियत है, वो मुख्तलिफ गलों से पुकारता है, मुख्तलिफ आवाजों में उसकी आवाज मिली हुई है। वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तता'ता मिन्हुम बिसौतिक, ऐ शैतान अब अपनी आवाज से उनको जज्ब कर ले, अगर तेरी ताकत है जो आना चाहे आए।
आवाज से धोखा देता है और फिर वजले वाला हिम्बे खाइले रिजले अपने पियादे अपने सवार अपना लश्कर अपनी दौलत की फिरावानी बतला वईद होम उनसे वादे करते जाओ। शैतान का काम है वादा करना कि ये होगा ये होगा ये होगा। ये सूरह बनी इसराइल की आयतें हैं। उसने ये कहा था कि परवरदिगार देखा कि जिसको तूने मुझ पर मुकर्रम किया और अफजल करार दिया लेकिन अकरतने इला यौमिल क़ियामा अगर तूने मुझे मोहलत दे दी क़यामत तक ला तरकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला तो मैं उसकी सारी ज़ुर्रियत को तबाह कर दूंगा चंद होंगे जो बच जाए। तो इरशाद हुआ जाओ जाओ बहकाओ आवाज से बहकाओ दौलत का लालच दो दुनिया की लज्जतों की हवस पैदा करवाओ तुमको इजाजत तुमको इजाजत है मगर इन इबादी लैस लका इलैहिम सुल्तान मेरे जो बंदे हैं उस पर तेरा इख्तियार नहीं होगा। इस तरह से कारवाने हयात चला इस तरह से कारवाने हयात चला और हमको हुक्म हुआ कि शैतान से पनाह मांगो। तो चूंकि मसाला बड़ा अहम है तो हमने यह किया कि नफ्स की तो तारीफ नहीं की और आप पर छोड़ दिया गया कि आप नफ्स को समझें। मसला नाजुक था मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बा जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचान लिया। सिर्फ एक छोटी सी बात कह दी कि नफ्स एक तरकीब है जिस्म अमर इलाही की नफ्स एक तरकीब है जाहिर व बातिन की मगर इस्तेआदे की मंजिल पर तो शैतान को पहचानना लाजिम हो गया। इस्तेआदे की मंजिल पर शैतान को पहचानना लाजिम हो गया कि कहां से धोखा देता है आदत क्या है किधर से हमला करता है। अगर कोई इंसान हमले से वाकिफ ना हो तो बचाव कैसे होगा। बचना अगर है तो फिर हमले को जानना भी है कि किधर से हमला है सुबह शाम रात दोपहर लज्जतों में नहीं बंदगी में। बंदगी में तवील सुजूद में खैरात के बहाने इंसान की मदद के बहाने कहां कहां किस रंग में है पहचानना जरूरी नहीं है। अगर पनाह मांगना है मालिक बचा ले तो इसलिए जरूरी होता है कि पांचवीं कैफियत है मायूस ताज़ में किस बात के लिए पनाह मांग रहे हो कहां धोखा दिया जा रहा है। पांच हालतें हैं इस्तेआज़ा मुस्ताज बे मुस्ताज मिन हो फिर मुस्तईज खुद पनाह मांगने वाला और मायूस ताज़ बे किस हालत के लिए पनाह चाही जा रही है कहां धोखा खा गए। तो धोखे को जानना है उस हालत फरेब को समझना है किस हालत में किसने धोखा दिया उसको समझना है ताकि सही माना में पनाह मांगते हुए आप अंदाजा कर सके और बतलाएं कि मालिक मैं इस आलम में परेशान हूं। तो ऐसी सूरत में एक अजीब कश्मकश में आप खुद मुब्तला हो जाएंगे अगर एक नई बहस यह छिड़ जाए कि वही है आज तक वही आदम वाला वही शैतान है आज भी कि जिसने कसम खा के आदम को धोखा दिया था और आदम ने कभी किसी की जबान से झूठी कसम के जुमले चूंकि सुने नहीं थे इसलिए आदम ने यकीन किया कि अल्लाह का नाम लेके कोई झूठी कसम खा नहीं सकता।
वही है आदम को फरेब देने वाला आज भी सबके साथ पूरी कायनात में और इस कदर करीब सबसे करीब सबको बगावत पर आमादा करने वाला। तो फिक्र इंसानी का तो ये आलम है इस मसले में कि उसको हम अगीर भी समझते हैं, मुहीद भी जानते हैं, कादिर भी जानते हैं, हर जगह हाजिर और नाजर भी समझते हैं, और फिर ये भी जानते हैं कि जिस जगह जो चाहे कर दे। क्या इतना ही यकीन खुदा पर भी है? जरा सा इस फिक्र को आगे बढ़ाएं। शैतान के मुताल्लिक यकीन है कि धोखा देता है, और अगर अपने आप को कोई बचा भी लेता है कि मुझे धोखा नहीं देता, तो वो जो सामने शख्स बैठा हुआ है उसके मुताल्लिक यकीन है कि इसको धोखा देगा, इतना करीब। तो फिर एक मर्तबा कुरान मजीद में इस लफ्ज पे गौर करने की जरूरत होगी। अजीजों, इल्मी बहस है, कुरान मजीद में 87 मर्तबा शैतान का नाम आया है, 87 टाइम्स शैतान का तस्करा 87 मकामात। और एक अजीब बात यह है, इब्तदाई सूरतों में शैतान का तस्करा नहीं है। देखिए दावत फिक्र है, यानी सूरह इकरा पहली वही शैतान का नाम नहीं है, यानी पहली वही आई और यह नहीं कहा गया कि रसूल शैतान से बचो या कहो कि शैतान से बचे, नहीं। तो आपको ताज्जुब होगा कि इब्तदाई मक्की जिंदगी में जितने सूरे हैं शैतान का नाम नहीं है। छोटे छोटे सूरे अब आप जाके कुरान मजीद में पढ़ते जाइए, शैतान का नाम। आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे, नजदीक जमा होने लगे, और जैसे जैसे नजदीक जमा होने लगे जरा सा तवील सूरे आए, तो अब शैतान का जो तस्कर आया तो इस तरह से आया कि तबके आद को हमने यूं उलट के रख दिया, शैतान ने उस कौम को यूं तबाह किया था, समूद के तबके को यूं तबाह किया, शैतान ने वहां यह फरेब दिया था। दास्तान है मा सबक में और माजी की तारीख में अंबिया के कसस में कहीं कहीं शैतान का तस्करा आता चला कि उस कौम को शैतान ने यूं तबाह किया। लेकिन जैसे जैसे मक्की जिंदगी खत्म होती चली, अब यह जिक्र कुछ ज्यादा होता चला, मदनी सूरों में शिद्दत हुई, अब यह जिंदगी शुरू हुई, अब बार बार शैतान का तस्करा, अब बार बार शैतान का तस्करा। और एक ऐसी मंजिल वो जाल कुल नबी जिन अदुवा, हमने हर नबी के लिए दुश्मन बना दिए, शयातीन अल इंस वल जिन, उसमें शयातीन है कुछ इंसानों में है कुछ जिन्नात में। यह कुरान मजीद की तिलावत की इज्जत हासिल की जा रही है। जाल कुल नबी जिन अदुवा, हर नबी के लिए हमने दुश्मन करार दिया, हमने करार दिया इसलिए कि नबी की सलाहियत उजागर हो, हमने करार दिया इसलिए कि मुजाहिमत के बावजूद
نبی طہارت نفس کا اعلان کرے. ہم نے قرار دیا اس لیے کہ اس عداوت میں نبی پہچانا جائے. دور کی عداوت نہ ہو, نزدیک کی عداوت ہو, تاکہ دنیا نبی کو پہچانے. تاریکیوں ہی میں نور کو پہچانا جاتا ہے, ظلمتوں میں روشنی کا صحیح تعارف ہوتا ہے. اور ایسی منزل پر ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن بنا, اور کئی دشمن ہیں. انسانوں میں بھی شیطان ہے, جنوں میں بھی شیطان. اب جب ہم نے قرآن مجید میں یہ دیکھا کہ شیاطین انس و جن ہیں, تو یہ انسان والا شیطان تو وہاں نہیں تھا جہاں آدم کے سجدے کا حکم تھا. تھوڑی سی فکر ہے, یہ ترقیاں ہیں شیطان کی, یہ ارتقا ہے. جہاں سے چلا وہاں سے صورتیں اختیار کی, جیسے کہ ابھی عرض کر چکا, مختلف آوازیں اور اس کا گلا, یا مختلف گلے اور اس کی آواز. بالکل اسی طرح مختلف شکلیں اور وہ, اور مختلف انسان اور اس میں وہی. تو یہ منزل عجیب و غریب ہے کہ آدمی کبھی مزاحمت بن جاتا ہے بذات خود. کسی نے ایک غلطی کی, امر بالمعروف کی منزل پر اس کی غلطی کو صاف کر دیا گیا کہ یہ غلطی نہ کرو. کسی نے غلطی پر اصرار کیا اور اس کو درست نہ کیا جا سکا, غلطیاں بڑھتی چلی, ہوتی ہوتی وہ مجسم غلطی بن گیا, فرعون بن گیا, حامان بن گیا, شداد بن گیا, نمرود بن گیا. اب جب مجسم غلطی بن گیا, نبی کے مقابل میں لایا گیا تاکہ مجسم نیکی کو کوئی پہچان سکے. نمرود نہ ہو تو ابراہیم کو کوئی پہچان نہیں سکتا. شیطان چھپا ہوا ہے, چھپی ہوئی طاقت کے مقابل میں کوئی ظاہری طہارت اپنے آپ کو منوا نہیں سکتی. چھپی ہوئی طاقت کے مقابل میں کوئی طہارت اپنے آپ کو ظاہری طور پر منوا نہیں سکتی. دشمن اگر چھپا ہوا رہے تو ابراہیم خلیل نہیں ہو سکتے. نمرود سامنے ہو تاکہ قلیل پہچانے جائیں, فرعون سامنے ہو تاکہ موسیٰ پہچانے جائیں. اب فرعون کے بھیس میں ہے شیطان, یا نمرود کی شکل میں ہے شیطان, یہ قدرت فیصلہ کرے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانوں میں بھی ہیں, جنوں میں بھی ہیں, اور نبی کے دشمن ہیں. اور اس طرح سے مدنی صورتوں میں شدت پیدا ہوئی, شدت پیدا. اور آخری منزل تو یہ تھی کہ بات بات, اے رسول, یہ لوگ وہ ہیں کہ مانیں گے نہیں. یہ سارا مجمع یقیناً قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. یہ مدنی سورہ, سورہ بقرہ, اور سب کو یاد ہے. اور وہاں چند انسانوں کی تعریف کی گئی, اور اس شان سے کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رسول, جب تیرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں قالو آمنا, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے
قالوا انا معكم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستهزئون ہم تو ان کی ہنسی اڑانے کے لیے گئے تھے. تو یہ جو شیاطین ہم ہیں یہ چھپے ہوئے ہیں یا ظاہر ہیں؟ بہت غور سے آپ آگے بڑھیں تو پتا چلے گا کہ نہیں انسانوں ہی میں ایسے افراد پیدا ہو جاتے ہیں جو اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اس کی نمائندگی کرتے ہوئے انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے قدرت نے باوجود اس علم کے کہ ہر مقام پر کوئی نہ کوئی شیطان ہو سکتا ہے, میرے جملے پر غور فرمائیے, قدرت یہ جانتے ہوئے کہ ہر مقام پر کوئی نہ کوئی شیطان ہو سکتا ہے, قدرت نے ایک سمبل کو تلاش کیا, ایک رمز کو تلاش کیا, ایک علامت کو تلاش کیا کہ اچھا جب پناہ مانگو تو اسی ایک شیطان کا نام لینا جو رجیم ہے. رجیم ہے اور ظاہر ہے کہ جب دھوکہ کھاؤ گے, جب پریشان ہونے کا موقع آئے گا, جب فریب خوردگی کا وقت آئے گا تو خود پناہ مانگو گے. تو صرف اتنا کہہ دینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کے معنی یہ کہ رمزیت ہے, اشاریت ہے, سمبولزم ہے, یہ نہیں کہ وہی شیطان جو آدم کو دھوکہ دے گیا, بلکہ یہیں کہیں قریب میں کوئی ہے جس سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پروردگار میرے پناہ دے مجھ کو. تو جب تک پہلے آپ شیطان کو دور نہیں کریں گے تزکیہ نفس اور طہارت نفس ناممکن ہے. میں نفس انسانی اور اس کی طہارت پر گفتگو کر رہا ہوں. تو پہلی منزل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی ہے, بشرطے کہ کوئی اس جملے کا عارف ہو. پڑھتے سب ہیں, سب کو آپ نے سنا ہوگا تلاوت کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مگر آپ نے غور کیا استعاذہ کیا ہے, مستعاذ بہ کون ہے, مستعاذ منہو کون ہے, مستعیذ کون ہے, ما یستعاذ و بہ کیا ہے, خود استعاذے کی حقیقت کیا ہے, اور پھر شیطان کے مراتب کیا ہیں, شیطان کے مقامات کیا ہیں, اس کی ہمگیری کیا ہے. اور اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب تک انسان نجاست سے دور نہیں ہوتا طہارت ناممکن ہے. یعنی پوری تقریر کا خلاصہ, جب تک نجاست سے دور نہیں ہوتا طہارت ناممکن ہے, اور جب تک نجاست کا علم نہ ہو دور کیسے ہو. اب گفتگو آپ کے سمجھ میں آ گئی, نجاست کا علم لازم ہے. اگر دنیاوی اعتبار سے, ظاہری اعتبار سے یہ نجس ہے, یہ نجس ہے, یہ نجس ہے, ان تمام نجاسات کا علم ہے, تو انسان چاہے گا کہ دور رہے, دور رہے. مگر جہاں بچوں کو یہ نہ بتلایا جائے کہ نجاسات کیا ہیں, بچپنے ہی سے یہ تربیت نہ ہو اور ان کو نہ بتایا جائے کہ نجس چیزیں کتنی ہیں, تو کیسے توقع کی جائے گی کہ بڑے ہو کے وہ اپنے آپ کو نجاستوں سے بچا لیں گے. محفل واعظ نہیں ہے لیکن صاف صاف بات ہے, نجاسات فقہی پر گفتگو مقصود نہیں ہے, تزکیہ نفس کے عنوان پہ جانا تو کہیں اور ہے. مگر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ راستہ چلتے ہوئے کتنے ایسے عزیز ہیں جو اپنے رفع ضرورت کے لیے کسی کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ پیشاب نجس ہے, ان کو یہ علم نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں پاؤں اور اس کے بعد پورا پانچا پاجامہ
ये सब आलूदा हो जाता है, इल्म नहीं है। मुमकिन है इल्म न हो। मैं क्यों कहूं कि इल्म है, मुमकिन है न हो, इसलिए कि तरबियत नहीं है, तरबियत नहीं है। एक जरा सी बात है, गौर तो कीजिए कि जहां नजासत ही को आदमी न पहचाने वहां इल्म तहारत का कैसा। तो अब यह जाहिरी नजासत पर गुफ्तगू कर रहा हूं कि जिसको पेशाब की नजासत का इल्म न हो वो अपने आप को कैसे बचाए और क्यों बचाए। तो अब बातिनी नजासतों पर क्या गुफ्तगू हो कि शिर्क नजिस है, कुफर नजिस है, जहल नजिस है, बेअकली नजिस है, नादानी नजिस है, हक से अदावत में नजासत है। ये बातें तो बुलंदी की हैं ना, तस्किया नफ पर ये बातें तो बुलंदी की हैं कि कौन सी चीजें कुरान में नजिस है। कुरान ने कहा इन्नमल मुशरिकून नजसून, मुशरिक नजिस है। मगर बच्चों को यह तरबियत थी, जिस मकाम से हम आ रहे हैं वहां किन किन हाथों से खरीद के हम खा रहे थे। कभी गौर भी किया था मां बाप ने कि बच्चों से यह कहा जाए कि ये इनसे यह चीज नहीं ली जाती, बल्कि वहां तो कहते थे इत्तेहाद इंसान, सब मुत्तहिद हैं। भाई सब मुत्तहिद हैं, लेकिन इसके बावजूद शयाती ने इनसे जिनको भी तो समझना है। इसलिए नजासत जाहिरी को जानो, नजासत बातिनी को जानो, ताकि तहारत जाहिरी में असर आए, ताकि तहारत बातिनी नसीब हो। तहारत जाहिरी और तहारत बातिनी जब तक पैदा नहीं होती तस्किया नफ्स नामुमकिन, नफ्स की तहारत नाम। तो गालिबन इस गुफ्तगू में तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे अगर यह बहस छिड़ जाए कि इंसान किन किन चीजों को नजिस समझता है, किन किन चीजों को इंसान नजिस समझता है। फिका के मसाइल बड़े तवील हैं और मुमकिन है कि इख्तलाफात भी पैदा हो जाए। इसलिए इख्तलाफात से बचने के लिए कम से कम इंसान जिसको नजिस जाने उससे तो दूर रहे, उससे तो दूर रहे। बातिल नजिस है, हक से नजदीक तो हो। जहल नजिस है, इल्म से नजदीक तो हो। नहीं, ये कुरान ने कहा वो यजअलु रिज्सा अललजीन ला याकिलून, जो लोग अकल से काम नहीं लेते वहां नजासत है। तो बेअकली से तो इंसान दूर रहे। और अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो इंशाअल्लाह इस तमहीद के बाद ये गुफ्तगू छिड़ेगी। हमारी हद तक बगैर किसी तमहीद के दो बातों में तस्किया नफ्स है, दो बातों। अगर फुरूए दीन के मसाइल हैं तो इज्तिहाद और तकलीद, या मुज्तहिद बन के बचो नजासतों से, या तकलीद करके बचो नजासतों से। फुरूए दीन फिक ही मसाइल, या मुज्तहिद होके बचो नजासत या मुकल्लिद बन। और उसूल में एक ही सूरत, किसी का दामन थामो, बगैर मवद्दत नजासत से दूरी नामुमकिन। और यह है वो मंजिल जहां आज की गुफ्तगू खत्म है। ताहरीन से मवद्दत, ताहरीन से नजदीकी, ताहरीन का कोर, यह इंसान को तस्किया नफ्स की मंजिल पर पहुंचा देता है। मुख्तसर सी तकरीर है।
अगर इस पर गौर करने की कोशिश की जाए तो कुछ मतालिब हैं, कुछ मानी है। अगर तहारत नफ्स चाहते हो तो आओ उस आबादी में कि जहां सब ताहिर रहते हो, उस बस्ती में हवा पाक, पानी पाक, जरूरियात जिंदगी जितने हैं सब में तहारत, और फिर इल्म, अक्ल, मारिफत, मोहब्बत, इबादत, जितने उमूर हैं बंदगी से मुताल्लिक सब में तसव्वुर तहारत। ये वो लोग हैं कि जो अपनी ओरिजिनलिटी की वजह से, अपनी इनफरादियत की वजह से अपने लिए एक मकाम अलग बना लेते हैं। किसी जगह जाएं, किसी मकाम पर जाएं, सब कह सकते हैं वो घराना आया, वो फैमिली आई, वो खानदान आया। मदीना एक आबाद शहर है, इस आबाद शहर में भी एक फिजा ताहिरीन की है, पाक इंसानों की एक फिजा है, और इसको हुकूमत भी जानती है, हुकूमत की तरफ से दावत देने वाले भी जानते हैं। वलीद ने लिखकर भेज दिया है कि आप आए, और एक मुख्तसर सी ताहिरीन की जमात वलीद के महल के दरवाजे पर खड़ी है, और उनका आका और सरदार महल के अंदर है। मरवान इब्ने हकम वलीद से यह कहता है कि हुसैन की बातों में ना आना, अगर आज हुसैन हट गए तो फिर इनकी खाके पा भी नहीं मिलेगी। यह कह के हुसैन इब्ने अली खड़े हो गए, उसको कुछ अल्फाज से याद करते हुए कि तेरी ये मजाल है कि तू हुसैन को मौत की धमकी देता है। आवाज बुलंद हो गई, ताहिरीन का वो ग्रोह बेतहाशा अंदर दाखिल हुआ। वो एक ग्रुप है, वो सालेह बंदों का एक ग्रुप है, हर जगह हर मकाम पर। असहाब आए, बनी हाशिम आए, बनी हाशिम ने मुस्लिम ने अकील भी आए, अब्दुल्लाह इब्ने जाफर तैयार भी आए, अब्बास भी आए, अली अकबर भी आए, जवान बच्चे बूढ़े सब आए, मोहम्मद हनफिया सबको रोका और कहा कि अभी वक्त नहीं आया। यूं ही आवाज बुलंद हो गई थी, चलो वापस चलो, मगर अब मदीना रहने के काबिल नहीं है, अब मदीना रहने के काबिल नहीं है, अब इनसे हम मिलजुल कर जिंदगी बसर करने का सवाल भी नहीं कर सकते, छोड़ देंगे मदीना। गुफ्तगू तूल नहीं होगी, दुनिया जानती है कि एक आने वाहिद में इमाम ने फैसला किया कि इस बस्ती को तर्क कर दो, बावजूद इसके कि नाना यहीं आराम फरमा रहे हैं, वालिदे माजिदा यहीं है, हसन मुश्तबा इसी जमीन में महवे ख्वाब हैं, मगर नहीं, हुसैन जाना है, तुमको जाना है, और एक ऐसी जमीन को आबाद करना है कि जो जमीन सब जमीनों से अलग होकर ताहिरीन की बस्ती बन जाए। चुनाचे यह तैयारी हुई और इंतजामात सुपुर्द किए गए सानिया जहरा के, और कहा ज़ैनब अब तुम इंतजाम करो, हमको जाना है। बहन ने इंतजामात किए,
मुख्तार कुल थी, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्या अजबाब साथ होगा, हुसैन को दखल देने की जरूरत नहीं है। रात भर में तैयारी हुई 28 रजब, यह तैयारी मुकम्मल हो गई और सुबह से शाम तक वो भरा घर खाली हो गया। मदीने से सफर सैयद शहदा, अजीब शाम से आगाज सफर है, फरजंद रसूल ने दूर से जाते हुए नाना के रोजे को आखिरी सलाम किया, सवारी इमाम की आगे बढ़ी, पूरा खानदान जो आमादा सफर था वो अपनी अपनी सवारियों पर मौजूद था, यह सवारियां भी आगे बढ़ गई और इस पूरे कारवान की जिम्मेदारी हिफाजत की उस इंसान के जिम्मे थी कि जिसका नाम ही मुहाफिज अहले हरम था। उसने पूरे काफिले को देखा, हर एक एक चीज का उसने ख्याल रखा, बच्चे किस तरह से सवार हुए, नामू से अहबाब हुसैन किस तरह से सवार हुए, फातिमा की बेटियां किस तरह से सवार हुई, सब उमूर का ख्याल रखा। और उसके बाद जब खुद वह वक्त आया कि सवार हो, और चाहता था वो कि रकाब में पांव रख के पुश्त ज़ीन पर बुलंद हो जाए, कि कनीज ने आवाज दी कि शहजादे ठहरो, आपकी वालिदा गरामी बुला रही है। अब्बास दौड़ते हुए आए, वालिदा गरामी की खिदमत में आए, हजरत उम्मुल बनीन के पहाड़ अकदस पर सर झुका दिया, मेरी जाने कुर्बान हो, करबला की दास्तान शुरू होती है अब्बास के नाम से और करबला की दास्तान खत्म होती है अब्बास के नाम पर। अगर कभी वक्त मिले, कभी जमाना साथ दे, तो मैं इस जुमले की तफसील कर सकूंगा। बड़ी कुव्वत है इस नाम में, और यह नाम बड़ा पुर असर है वाकई करबला में। अब्बास, अब्बास, सारे घर को कियाल है अब्बास का, हुसैन आवाज दें अब्बास, बहने आवाज दें अब्बास को, अली अकबर पुकारें चाचा जान, और अभी सुबह से मुसलसल एक बीमार बच्ची पुकार चुकी है, क्यों चचा जान मैं साथ नहीं चलूंगी। वो मरकजियत है अब्बास को हासिल, कि ऐसे में उम्मुल बनीन ने तलब किया, अब्बास ने उस सर को झुका दिया पहाड़ अकदस पर, मां ने बेटे के सर को सीने से लगाया, कहा अब्बास रोकना नहीं चाहती, रोकना नहीं चाहती थी, मगर तुमसे बढ़कर और कौन जानता है अब्बास कि मैंने इस घर की कैसी खिदमत की, मैंने कितना साथ दिया, दूसरे कबीले की औरत है मगर जब इस कबीले में आ जाती है तो ताहरीन के हमदोश हो जाती है, जब इस कबीले से मिल जाती है तो जुदाई समझ में नहीं आती, और वो आलम हो जाता है कि इसके बेटे को जहरा अपना बेटा कहे। ये है कुर्ब कमाल ताहरीन। एक मर्तबा का अब्बास रोकना नहीं चाहती हूं, आज इसी दिन के लिए जी रही थी कि देखूं कि इस कारवान में मेरे चार जवान बेटे जाएं, और मेरा दिल मुतमईन रहे कि अब फातिमा के लाल पर कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। अब्बास जाओ अल्लाह के हवाले किया, मगर जहरा की कमाई से होशियार।
लाला।